साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो एक गरीब परिवार से है, जिसके घर में नौकरी नहीं है और कौशल में आप लोगों ने फार्म भर दिया। तो मैंने हर बार कहा, जब भी कोई ऐसी वैकेंसी आती है, कहते छप्परपाड़ वैकेंसी, कौशल में छप्परपाड़ वैकेंसी, खुद ये नहीं पता कि कितने लोगों को यहाँ पर नौकरी सरकार देगी 15 से 15,000 से ज्यादा युवाओं को यहाँ पर रोजगार देगी सरकार। मैं आपको बता दूं, ये खुशखबरी आपको नए साल पर मिलने वाली है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको मैं बता दूं। और जब भी कोई ऐसी बंपर भर्ती आती है, कोई नई स्कीम आती है, उस टाइम जो दलाल होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में उभर कर आते हैं और आपको चाहिए होती है नौकरी। अब मैं सावधान कर रहा हूं आप सभी से कि कोई भी कौशल में फार्म भरने के बाद किसी को 1 रुपए तक नहीं देना। आपने बहुत से लोग आपको मिलेंगे, इतने रुपए दे दो, 50,000 दे दो, 70,000 दे दो, 1,00,000 दे दो, 2,00,000 दे दो, 3,00,000 दे दो, हम आपको कौशल में नौकरी लगा देंगे। लेकिन फिर आप पूछो कि नौकरी कब लगाओ, कितने दिन में आप लगा देते हो, वो बोले जो लिस्ट आउट होगी, सीधा संबंध है। और नौकरी कौशल में उन लोगों को मिलेगी, आपका स्कोर बनाया जा रहा है, जो आपका स्कोर ऑनलाइन शो होगा उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। मान लो 10 लोगों के पैसे किसी दलाल को आपने दे दिए, 10 बंदों ने दे दिए, 10 में से 2 लग जाएंगे, 8 तो फिर भी रह गए। वो 2 कैसे लगे हैं, क्योंकि उसके नंबर थे, फैमिली इनकम के नंबर थे, घर में नौकरी नहीं थी, उसके एज के नंबर थे, उसका लोकल एरिया था, जो भी था प्राथमिकता उसको मिली है। तो वो 2 बंदे लगे, वो आगे जाकर 10 बंदे को बोलेंगे कि हमें तो उसने लगवा नौकरी लगवाए, फिर वो पैसे देंगे, फिर वही सिलसिला जारी रहता रहेगा। लेकिन जो आपके भाग्य में है, जो आपके नंबर बने हैं, जो पारदर्शिता आई है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ऐसे आप इन दलालों को पैदा ना होने दें, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। सभी भाइयों से यही एक मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, भाई आप बहुत पहले से गरीब लोग हो सभी, तो नौकरी के लिए आप तरस रहे हो। और क्या पता नौकरी लगने के बाद आपको कल निकाल भी दिया जाए, फिर पैसा भी बर्बाद है। तो कौशल खुद आप सीएम मनोहर लाल ने कहा था, ये नौकरी नहीं देता। आपने देखा होगा एक जनसंवाद में जो भी बात हुई थी टीचर को लेकर, टीचरों की कुछ डिमांड थी जो लगे थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। तो वही बात है, आपको मैं बता दूं, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, इसके लिए पैसा मत दो, इसके लिए प्राइवेट कंपनी में काम करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्री में आप लग रहे हो, लग जाओ, लेकिन लगो कैसे, आपके जो नंबर बने, क्राइटेरिया जो बनाया है। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो भाई, एक बंदा 50 लोगों के पास वीडियो को भेजेगा। सभी, किसी को पैसा नहीं देना आपने भाई, नौकरी लगना चाहते हो कंपनी में लगो, सरकारी लगना चाहते हो अच्छी पढ़ाई करो, टेस्ट पास करो भाई। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की नौकरी में कभी पैसा देना एक मूर्खता है, मैं हर बार यही कह रहा हूँ आपको। ये मत सोचो पक्के हो जाओगे, भाई लोग यहाँ 20-20 साल से बैठे हैं, वो पक्के नहीं हुआ, आप तो क्या हो गए पक्के भाई। तो साथियों, ये मत सोचो हम पक्के हो जाए, 2014 में पक्के हुए, पीछे 96 में हुए 3 में हुए, ऐसे हुए हैं, लेकिन वो अलग, वो डायरेक्ट विभाग से थे, आइए एजेंसी। और क्या पता ये सरकार कल बदल जाए, कल दूसरी सरकार है, आते ही कौशल को भंग कर दे, वहां से फिर आप बाहर चले जाओगे। सरकार बदलना लगभग तय है 99%, बाकी देखो बीजेपी वाले की किस्मत होगी अगर दोबारा आएगी तो, बाकी सरकार बदलना तय है। हरियाणा में 10 साल के बाद सरकार को पलटवार देती है हरियाणा के आम जनता। तो बस मेरा यही एक लक्ष्य है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, किसी को पैसे ना दे मेरे भाई, ठीक है। आप अंदाजा लगा लो, मान लो किसी को आपने 1,00,000 रुपए दे दिए, आपकी सैलरी 14,000 है, तो कब तक पूरे होंगे भाई? 14,000 से आपका किराया भाड़ा लगेगा, घर का खर्च लगेगा, आप कितने बचा पाओगे? वो 1,00,000 कहीं से उठा के दोगे कि आपका ब्याज पूरा कर पाओगे आप? 2 साल तक वो 1,00,000 पूरे नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए इससे अच्छा कहीं भाई 14,000 की 10,000 की नौकरी करो प्राइवेट सेक्टर में, वो भी आपके लिए बढ़िया है। एक जॉब से निकल जाओगे, दूसरी में चले जाओगे, लेकिन कौशल से निकल गए तो दोबारा कौशल में आने का मौका खो बैठोगे, क्योंकि अब सक्षम में जो होता है ना हाल, सक्षम में कितना बुरा हाल है, वो सक्षम वाले ही आ गए सारे, इनके आपका सक्षम भी छिन गए, आपका बीपीएल भी छिन गए, आपकी बहुत सी सुविधाएं छिन जाएगी कौशल में आते ही। लेकिन बिना पैसों के आप लगो तो ठीक है, और मैं कहता हूँ कौशल में लगने के बाद भी आप रेगुलर जॉब की तैयारी करें, अच्छी कंपनी में जाने की तैयारी करें। ये मत बैठो हाथ में हाथ धरके कि हम कौशल में लग गए हैं, हमें जीवन खुशहाल है, कुछ नहीं हो सकता। ये आपको वही बात है ना, सरकारी नौकरी भाई क्या कहते हैं, भूखा मरने नहीं देगी ना ही अमीर होने देगी आपको। भूखा मरोगे नहीं, अमीर होगे नहीं, वही बात है। तो बिजनेस तो करना पड़ेगा भाई, अच्छी कंपनी में जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी पैसा है, अगर हम पढ़ाई करके अच्छी लाइन में जाते हैं तो काफ़ी पैसा है, ऐसी बात नहीं है, मेहनत भी है पैसा भी है। तो बस कौशल वाले जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं,
रिक्वेस्ट आपसे भाई इस वीडियो को 10 लोगों के पास, कम से कम 50 के पास नहीं कर सकते, 10 लोगों के पास शेयर करें और पैसे ना दे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। पैसे की डिमांड वाले बहुत से लोग आएंगे, कोई बोलेगा अब किसी के तलवे भी नहीं चाट रहे हैं, कहीं बोलो हम अपना नोट बना के मंत्री को दे आएंगे, इसको दे आएंगे, उसका चेहता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। फार्म भर के घर पे बैठ जाओ आराम से, बैठो अपना तैयारी करो, आपका आपका नंबर आएगा ना अपने आप आ जाएगा। सच कह रहा हूँ भाई, किसी लिखवा लेना, कोई माइकल वाले कहते ना मैं नौकरी में लगवा दूँ, पैसे दे दे, उसको टाइम दे दो कि मैं 20 दिन में नौकरी लगवा दे, मान जाओ लगवा देगा। तो भाई कौशल में नहीं लगो, जैसे हार्ट हो ना हार्ट ऑन, अब कौशल का सिस्टम ऑनलाइन ऐसे ही बना दिया है, क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया भले ही गलत हो भाई ऑनलाइन वो चल जाएगा, लेकिन पैसे मत देना है, पैसे देंगे कोई नौकरी आपको नहीं लगवा सकता। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, और कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें।